तरीके से ट्रीट करता है तो हम उसको महा बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। अब वो वाला जमाना नहीं रहा ना फैन की, कोई एक थप्पड़ मार रहा है गाल पे तो दूसरा अंदर, कोई एटिकेट्स नहीं है, कैसे देहातियों की तरह चीखती है, आस पड़ोस का भी नहीं सोचती, पता नहीं अजितेश कैसे झेलता है इसे। और लिया कि अजितेश ने कप तोड़ा है और साक्षी ने उसको नमक की चाय पिला दी तो अजितेश ने इतना गुस्सा कर दिया, अगर कोई बड़ा लेवल का कुछ कर देती है साक्षी तो अजितेश सबका साक्षी अजितेश ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने देखा कि बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बाकी प्रैंक वीडियोस पे तो बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, तो सोचा क्यों ना भाई लोगों के, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, आप ब्लॉग में हमारे कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के कमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करूँ। और मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग पता है इंस्टा फेसबुक पे भी फेक आईडी बनाकर मैसेज करते हैं तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन अब लोगों ने क्या किया है यूट्यूब की पे भी फेक आईडी बनाकर लोग कमेंट कर रहे हैं। रियल आईडी से तो वो कमेंट कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे नोन होते हैं, उन्हें पता है हम उन्हें जानते हैं, इसलिए बेचारे फेक आईडी बनाते हैं। कोई नहीं, आप लोग कंटिन्यू रहिए जो फेक आईडी बनाकर कमेंट करते हैं। तो हम जो पहला कमेंट है वो है फैमिली ब्लॉग, आप रियल में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, ये कोई फैमिली ब्लॉग करके आईडी है, इनका कमेंट है आप रियल में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। थैंक यू, वो तो मैं हूँ और आप लोग जो इस तरह मुझे प्यार करते हो सपोर्ट करते हो तो मेरा चेहरा और ज़्यादा ग्लो करता है। बाकी एक है अभिराश, आप बिना मेकअप के अच्छी लग रही हो दीदी। देखो हाँ, मतलब मैं मेकअप यार यूज मतलब नॉर्मली ऐसे घर वर में तो मैं मेकअप करती नहीं हूँ, और कहीं जाती भी हूँ प्रोग्राम वगैरह में तो एकदम सिंपल होकर जाती हूँ। बाकी जब मैं कोलैब करती हूँ मेकअप आर्टिस्ट के साथ तो यार उनका काम है मेकअप करना, अब वो कोलैब ही मेरे साथ इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि वो मेरे फेस पर मेकअप कर पाएँ, तो कभी कभी होता है तो अच्छा लगता है मुझे भी और मेकअप आर्टिस्ट को भी। और एक कमेंट है विशाल शर्मा, गाल ज़्यादा मोटे हैं आपके, फेस अजीब लगता है आपका, शादी से पहले पतली थी जब अच्छी लगती थी अब नहीं लगती दीदी। विशाल शर्मा एक बात बताऊं, जब शादी हो जाती है और बेबी हो जाता है तो काफ़ी फीमेल्स की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, लेकिन आप मेल हैं तो शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपके कमेंट से ये चीज़ पता लग गया कि आप लेडीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं, और आपके आसपास ऐसा तो होगा नहीं कि कोई मोटी लेडी नहीं होगी। और मुझे इस चीज़ पर कोई भी मतलब बुरा नहीं लगता कि मैं मोटी हो गई हूँ या मेरे गाल, मुझे तो अच्छा लगता है। अभी भी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट मेरे साथ कोलैब करना चाहते हैं, तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, मुझे अपने गाल मोटे मोटे अच्छे लगते हैं। और कमेंट है हिनू है, ये मुझे फेक आईडी लगती है, ये जो हिनू है ये तुम लोग अपनी दादागिरी जार, ये जार क्या होता है बहन, बाहर होता है बाहर, जार कहीं मत दिखाया करो, औकात को लिख रही है ये, इनको लिखना नहीं आता है लेकिन इन्हें कमेंट जरूर करना है, औरत नहीं है तुम लोगों की बहन, औकात होता है। तो बहन हम तुमको बता दें कि औकात की तो आप बात ही मत करिए, बस हमारे साथ क्या है ना, हमें अगर कोई अच्छे से ट्रीट करता है तो हम उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और हमें कोई बुरी तरीके से ट्रीट करता है तो हम उसको महा बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। अब वो वाला ज़माना नहीं रहा ना फैन की, कोई एक थप्पड़ मार रहा है गाल पे तो दूसरा गाल आगे कर दें, हम तो हम वैसे नहीं है। एक है राजू चौहान, दी आप मेरे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं देती हो ब्लॉग्स में। राजू ऐसा नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, आप सारे कमेंट्स के रिप्लाई एक साथ नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सारे कमेंट्स के रिप्लाई करेंगे। दी आपने बाल क्यों कटवा दिए, इतने अच्छे बाल थे, कोमल बिल्कुल अच्छे बाल नहीं थे, सारे ख़राब हो गए थे नीचे से इसलिए कटवाना पड़ा, और बढ़ जाएंगे, ये तो घर की खेती है, कोई दिक्कत नहीं है। अक्रम मंसारी, आपने ब्लॉग का टाइम बढ़ा लीजिए,
अब धीरे धीरे हमारे ब्लॉग्स के टाइम बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, और आगे और बड़े बड़े ब्लॉग लाएंगे, बड़े बड़े मतलब इतने बड़े कि आप लोग देखें और बोर ना हो, और अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स लाएंगे हम। ठाकुर सिमरन, साक्षी दी प्लीज़ रिप्लाई, आप अपने हेयर्स में कौन सा शैम्पू और ऑयल यूज़ करते हो, प्लीज़ दी प्लीज़ रिप्लाई। देखो सिमरन, मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई शैम्पू या ऑयल नहीं है मेरे हेयर्स के लिए, मुझे अगर क्लिनिक प्लस मिल जाता है तो मैं क्लिनिक प्लस भी यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं डव यूज़ करती हूँ, और ऑयल तो डावर आमला कुछ भी, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ और डावर आमला भी, इन दोनों में से एक। मनीष पंचोली, नाइस, इनका कमेंट दोस्तों बहुत बड़ा है, और ये कमेंट स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए आराम से, 5-6 सेकंड का टाइम दे रही हूँ मैं आपको, तो पढ़ लिया ना। तो इनका कमेंट का रिप्लाई है, मैं जब भी मम्मा क्लियर होती हूँ, मतलब इनका है कि जब भी मम्मा क्लियर होती हूँ तो आई फील सो बैड। तो यार आपको, मतलब आप अगर मैं सैड फील कर रहे हैं तो मत करिए, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मेरी माँ है वो, और मुझे याद आती है तो ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और इनका है कि फ्री नहीं हो पाते, उतना फ्रीडम नहीं है शादी, मतलब इनका कहना है कि फ्रीडम, मतलब हमें फ्रीडम नहीं हो पाते हम शादी के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता। अजितेश की तरफ से कोई बाउंडेशंस नहीं है, मतलब उसका ये है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, लेकिन मैं अपना सारा घर भी मैनेज करती हूँ, अपने बेबी को भी देखती हूँ, अपने हस्बैंड को भी देखती हूँ, मतलब एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी भी मैं बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, और बाकी जो मैं बाहर का काम करती हूँ जैसे कोलैब और ये ब्लॉग्स, तो ये भी मैं अच्छे से ही करती हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो मैं मम्मा से मिलने जल्दी से, मतलब इनका है कि आप मम्मा से मिलने जल्दी जाएं और बेटी का रिश्ता समझ सकती हूँ। हाँ आप लोग दुआ करेंगे तो बिल्कुल मैं अपनी माँ से जल्दी मिल पाऊँगी। एक रितु शर्मा है, दीदी आप वीडियो अच्छी नहीं बनाती हो, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आपको अपनी फैमिली की याद नहीं आती क्या, आप एक विधायक की बेटी थी, उनकी रेपुटेशन भी नहीं समझी, विधायक जी की छोटी बेटी बहुत अच्छी, नो डाउट विधायक जी की छोटी बेटी बहुत अच्छी है, और आप अच्छी वीडियो नहीं बनाती हैं, इनका कहना है। कोई बात नहीं, हर किसी को हर चीज़ पसंद नहीं आ सकती रितु, आपको पसंद नहीं आ रही है तो हम आपको फोर्सली वो चीज़ पसंद नहीं करवा सकते, है ना, आप पसंद करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पसंद करेंगे तब भी बहुत अच्छी बात है। और रही मेरे पिताजी की रेपुटेशन की बात, तो उनकी रेपुटेशन आज भी बहुत है, लोग मुझे गालियाँ बकते हैं, उन्हें गालियाँ नहीं बकते, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि लोग उन्हें गालियाँ बकें, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छे से बनी हुई है, उस चीज़ की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है सर रितु शर्मा। और एक खुशबू है, खुशबू शर्मा, हेलो साक्षी बहुत स्ट्रांग हो तुम, हमेशा ऐसे ही रहना, लव यू एंड योर एटीट्यूड, और हाँ बरेली घुमाती रहा करो, अच्छा लगता है, अपनी जगह को देखना, अब आना हो तो कम हो पाता है, देखने में मज़ा आता है। थैंक यू खुशबू इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, इतना पॉजिटिव कमेंट करने के लिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बरेली आपको घुमाएंगे, और आप आना तो हमसे मिलना भी, बरेली से हैं आप तो। सी आरती यादव का ये कमेंट है, आपकी कुर्ती अच्छी लग रही है, कहाँ से ली, ऑनलाइन या, ये कमेंट उन्होंने धूपेश्वर नाथ मंदिर वाली वीडियो पे किया है, जिसमें मैंने ग्रीन कलर की कुर्ती पहन रखी है। तो ये कुर्ती मैं सही बताऊँ तो मैंने ऑनलाइन नहीं ली थी, लोकल मार्केट से ली थी, और आपको लग रहा होगा मैं बहुत हाई फाई ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सड़क पे कपड़े पसंद आ जाते हैं तो मैं वो भी खरीद लेती हूँ, काफ़ी लोग का कहना भी है मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, उसका जवाब मैं आगे दूंगी। सर पर दुपट्टा लेकर पूजा किया करो बेटा, नितिन वर्मा, हाँ अंकल बिल्कुल आगे से हम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आदत में नहीं है लेकिन आपने बोला है तो हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जय अजय प्रकाश, आप दोनों का लड़ना झगड़ना बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ प्यार ही दिखाई पड़ता है, अगर हमसे टाइपिंग में कुछ गलती हो जाए तो गुस्सा नहीं करिएगा साक्षी जी, और अजितेश भाई से कहना चाहता हूँ कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए साक्षी जी, बस भैया इतना ही प्रार्थना है आपसे। हाँ बिल्कुल अजितेश मुझे बिल्कुल दुखी नहीं रखते हैं, बल्कि मैं ही लड़ाई करती हूँ अजितेश से सबसे ज़्यादा, और आपकी टाइपिंग में कोई मिस्टेक नहीं है भैया, और आप लोग बस इसी तरह प्यार करते रहिए, हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। नाहिम अली, आपका वीडियो बहुत शानदार है, ऐसे ही काम करते रहिए, हम लोगों का सपोर्ट हमेशा रहेगा, कुवैत से हैं ये, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे कुवैत से बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन सारे भाई बहनों का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया, आप लोग बस इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। एक हैं अनुभूति शुक्ला, आप बाकी सब अपनी जगह, बट आपके बोलने का तरीका बड़ा ख़राब है,
आप मुझे अच्छे लगते थे, बट जैसे जैसे आपके ब्लॉग्स आ रहे हैं, आपके बोलने का तरीका, लोगों को एड्रेस करने का तरीका बहुत रफ एंड ख़राब है। अनुभूति शुक्ला जी, हो सकता है आपसे मेरी कभी कोई पर्सनली दुश्मनी रही हो या फिर ये आपकी फेक आईडी हो, तो आप उस वे में मुझे जज कर रहे हो, क्योंकि जिससे मेरी लड़ाई होती है वो मुझे बुरा ही बोलता है, और जिससे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है वो तो मेरी बुराई कर ही नहीं सकता। तो कोई नहीं, आपकी हो सकता है कभी पिछले जन्म में या इसी जन्म में कभी हमारी लड़ाई हुई हो जो मुझे याद ना हो, आपको याद हो तो। और मेरे बोलने का तरीका यार बहन देखो ऐसा ही है, मैं अच्छे लोगों से बहुत अच्छे से बात करती हूँ, ये मैंने पहले भी बताया, और बुरे लोगों से बहुत बुरी तरह बात, मतलब मुझसे ज़्यादा फिर बदतमीज़ कोई नहीं है। अजय मतलब जो हूँ सामने हूँ, ये नहीं है कि भाई कैमरे के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, जो दिखता है वो सामने दिखता है। अजय प्रकाश, आपका ब्लॉग का इंतजार दिन भर करना पड़ता है, कल वाला वीडियो 5 बार देखा हमने। अजय प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद, और दिन भर मतलब ऐसे इंतजार मत करिए आप, हमारा 7:15 पे ब्लॉग आ जाता है, और एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा काम वाम भी करना पड़ता है। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए हमारे ब्लॉग्स में, इसी तरह हमें प्यार करते रहिए। यश सधान, यार इसका बहुत लंबा नाम है, मैं इसका वो लगा दूँगी कमेंट, तो आप लोग स्क्रीन पे देख लेना। इसने लिखा है नाटक, या नाटक भी ना हर किसी के बस की बात नहीं है, तुम लोग कर लो, हमें तो अच्छा लग रहा है भाई नाटक करने में। जैसे जो लिख रहा है नाटक तुम करके दिखा दो, हम भी तुम्हारा नाटक देख लेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, बस दूसरों को जज कर लेते हैं नाटक, हमें तो मज़ा आ रहा है भाई नाटक करने में। सलमान है ये कोई, वाह मज़ा आ गया, मैंने 3 बार देखा आज का ब्लॉग, स्क्रिप्टेड नहीं लगा, नाइस। ये शायद प्रैंक वीडियो की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सलमान। वंशिका, मज़ा आ गया, गुड मॉर्निंग शीनू। वंशिका जो है वो कह रही हैं मज़ा आ गया, थैंक यू वंशिका, और गुड मॉर्निंग शीनू, गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही है अभी, गुड इवनिंग वंशिका जी। मैं अभी सुबह 5:45 पर उठा, फिर ये प्रैंक देखा। अजितेश भैया बहुत कूल हैं आपके लिए, बहुत मज़ा आया, मतलब लोग ना प्रैंक के उस पे अजितेश को जज कर लिया कि अजितेश ने कप तोड़ा है, और साक्षी ने उसको नमक की चाय पिला दी तो अजितेश ने इतना गुस्सा कर दिया, अगर कोई बड़ा लेवल का कुछ कर देती है साक्षी तो अजितेश कितना गुस्सा करेगा। देखिए वो मेरा पति है, और मुझे पता है कि कितने लेवल के उसके साथ मुझे प्रैंक करने हैं, और मुझे उसका रिएक्शन भी पता है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अजितेश को जानिए, और सच में वो बहुत कूल है, मुझसे तो ज़्यादा ही कूल है यार, लोग मुझे बदतमीज़ कहते हैं ना, मेरी तरह बदतमीज़ नहीं है वो। UP 25 वाला, अभी तक का सबसे फ़नी ब्लॉग है, मज़ा आ गया, थैंक यू UP 25 वाला भाई, थैंक यू, आपका ब्लॉग का इंतजार। मोहम्मद मुर्धीस, ऑसम प्रैंक, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये धीरेन्द्र पांडे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है, गलत बात है, शीनू की आवाज़ ऐसा ही है, मैं जानता हूँ यार। देखो कहने वालों को तो हम नहीं रोक सकते, अब हमने प्रैंक किया है तो अगर जिसको स्क्रिप्टेड लग रहा है तो लगने दो, और जिसको नहीं लग रहा है वो इंजॉय करो हमारा प्रैंक। अजितेश भाई आपने तो शीनू जी से तगड़ा प्रैंक कर दिया। जैस कोई बात नहीं, इससे तगड़ा प्रैंक हम कर देंगे अब तुम्हारे अजितेश भैया के साथ, चिंता मत करो भाई। और ये कोई यूज़र है, लेकिन इसका ना नेहा शर्मा के नाम से आईडी है, यूज़र मतलब इसका चैनल जो है वो नेहा शर्मा के नाम से है। साक्षी के अंदर कोई एटिकेट्स नहीं है, कैसे देहातियों की तरह चीखती है, आस पड़ोस का भी नहीं सोचती, पता नहीं अजितेश कैसे झेलता है इसे, और ड्रेसिंग सेंस तो एकदम घटिया है। तुम लकी हो कि तुम्हें अजितेश जैसा हस्बैंड मिला, एंड कदर करो उसकी, योर वे और टॉकिंग और आवाज़ की टोन बहुत घटिया है। देखिए मैं इनको बोलना चाहती हूँ, ये यूज़र जो है यूज़र YV9VR, मतलब अब मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है तुम देखोगी, तो यार देखो हमारी तो लैंग्वेज जो ही है देहातियन वाली, हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं तो भैया देहाती की तरह बात करेंगे, और तुम्हें बड़ी चिंता है आस पड़ोस की, तो हमारे जो आस पड़ोस वाले हैं ना हमसे तेज, उनके गाने बजाते हैं तो हमारी आवाज़ वहाँ दब जाते हैं, तो भैया तुम आस पड़ोस वालों की चिंता मत करो। हाँ अगर तुम हमारे आस पड़ोस में रहती हो तो तुम हमारे मुंह पे आके कह दो भैया कि तुम बहुत तेज चिल्लाती हो। अब भैया हमारा, और रही ड्रेसिंग सेंस की बात, तो भैया हम तो जो ही कपड़ा पहनते हैं धीरे धीरे जीन्स पहन लेंगे, अंदर स्पैगेटी पहन लेंगे, ऊपर टी शर्ट पहन लेंगे। अब भैया तुम्हें हमारा ड्रेसिंग सेंस पसंद आ रहा हो तो जामे हमारी कोई गलती ना है, हमें जो अच्छा लगता है, हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं भैया, देहाती हैं, खेत ऊत में काम करो, गाँव वाले हैं हम, तो हम देहाती सही ना। तो भैया तुम्हें अगर हमारी घटिया टोन लगत है तो कोई बात ना है, हम तो भैया ऐसे ही बोलेंगे जैसे हैं, और जैसे हैं हम वैसे ही पब्लिक को दिखाएंगे, बाकी तुम हमारे आस पड़ोस वालों की चिंता मत करो, सब खुश हैं हमारे आस पड़ोस वाले। यार इंतज़ार रहता है तुम दोनों की वीडियो का, रोज़ 2 वीडियो डालो भैया,
कोई राजविंदर सिंह राजविंदर हैं जी भैया, हम देखो दो वीडियो तो ना डाल सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक वीडियो रोज हम ला पावाएं आप लोगों के लिए। और ये हैं अब्बू सद्दीकी सिद्दीकी, मैं आपकी वीडियो डेली देखता हूँ, रोज़ यूट्यूब पर डाला करो। हाँ जी, हम रोज़ डालते हैं, आप देखा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, इस देहाती लड़की को इसी तरह प्यार दीजिए। और किसी को जो अच्छी टिप्स देना चाहता है ना, कोई पॉजिटिव टिप्स देना चाहता है, तो बिल्कुल दीजिए, हम बिल्कुल उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। और हमें इसी तरह प्यार दीजिए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मतलब लोगों की ये भी एक वो है ना, मुझसे शिकायत कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब क्यों बोलते हो यार, तो वो जल्दी में हो जाता है, शाह और वाह के साथ मेरे साथ दिक्कत है। अब भाई देहाती हैं तो थोड़ो तो दिक्कत होगी, जो सब तो झेलने पड़ेगा यार, देहाती लोग ना ही क्लियर बोल पाते हैं अंग्रेजी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसने नहीं किया है, और इसी तरह प्यार देते रहिए। राम राम, बाय बाय।